नमस्कार जी, मैं परवीन अहलावत। आप सभी दर्शक देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी। इलेक्शन है, पूरे गर्म हो चुके हैं क्योंकि कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा के चुनावों को लेकर आचार संहिता की घोषणा कर दी है। आज 21 तारीख है और अगली 21 तारीख को मतदान होगा, मतलब पूरे एक महीने का समय बचा है। और आपको बता दें कि कैथल में 25 तारीख को इनेलो की एक बड़ी भारी रैली होने वाली है, उस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की नज़र टिकी रहेगी। इस वक्त मौजूद हैं, इनेलो पार्टी का दफ्तर है, जज्जर कार्यालय है, युवा जिला प्रधान है प्रमोद राठी, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वकील साथी हैं सुहाग साहब, वो जुड़े हुए हैं, और तमाम जो पार्टी के युवा साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर मंत्रणा कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं कि रैली को आखिरकार किस तरीके से सफल बनाया जाएगा। चलिए उन्हीं से पूछेंगे। राठी साहब, 25 तारीख को इनेलो की रैली होने वाली है, क्या कुछ स्ट्रेंथ है वहाँ पे रहने वाली, और आपकी पार्टी की यहाँ से कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? पहले तो स्वागत है आपका कार्यालय में पहुँचने पर। और 25 तारीख की जो रैली है वो रैली जो पीछे हमारे सम्मान समारोह हुए हैं उन सब से दोगुनी होगी और लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, माता बहनें पहुँचेंगी और बड़ा ज़बरदस्त माहौल होगा। और इस माहौल को आपने 19 तारीख को गांव भापड़ोदा में देखा भी होगा, जिस तरह से मेरे गांव में उत्साह, उमंग और चाव था। और 25 तारीख को हजारों की संख्या में झज्जर डिस्ट्रिक्ट से युवा साथी और बुजुर्ग और माताएं कैथल रैली में पहुंचेंगी और ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रैली के लिए गांव-गांव जाकर निमंत्रण भी आप लोग दे रहे हो, जनता है कैसा, मतलब सहयोग आपका कर रही है, और कितनी भागीदारी के लिए जनता बोल रही है आपके साथ जाने के लिए? जनता में बहुत ही उत्साह और चाव है, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल इसी जनता के प्रिय थे, ना कि पूंजीपतियों के प्रिय थे। तो इस ये जनता आज मौजूदा हालात में इतनी परेशान दुखी है कि उन्हें सिर्फ विकल्प ही स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल दिखाई देती है। और जनता को पता है कि ये चुनावी रैली है, इस चुनावी रैली में आप जितनी बड़ी भागीदारी दोगे आपकी पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। जी जी जी, तो ये प्रमोद राठी साहब का कहना है कि बड़ी ज़बरदस्त रैली है वो करने वाले हैं, और मेरे साथ वकील साहब हैं सुहाग साहब, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। सुहाग साहब, आप बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं रैली को लेकर आप लोगों की? सबसे पहले तो अहलाव साहब, मैं अपने दफ्तर में आने पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ, और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और लाखों की संख्या में जो पिछली बार हमारी रैली हुई थी ताऊ देवीलाल के जन्मदिन से, उससे ज़्यादा हम डबल भीड़ और भारी वो जनता वहाँ पहुँचेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आपको याद होगा एक बात बोलते थे, वकील साथियों का सहयोग मिल जाए तो इनेलो पार्टी के लिए सब गुण मुमकिन है, और आप तो मजबूती के साथ डटे हुए पार्टी के साथ। हमारे सभी वकील साथी तकरीबन चौटाला साहब के साथ हैं, और मैं एक दिन भाई अभय सिंह का यहाँ अपने झज्जर बार में निमंत्रण दूंगा, और वहाँ अपनी बार में बहुत भारी स्वागत होगा, और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ सभी वकील साथी हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आप बताइए सर, रैली को लेकर कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं, और क्या कैसा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है जनता के बीच में आप जा रहे हो? तो जी प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे INLD ऑफिस में। और मैंने बादली हल्का का पूरा दौरा किया है। हर एक गाँव में उत्साह है लोगों में। ताऊ देवीलाल का जन्मदिन है, वो त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जो कि लोगों ने आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में होते हुए उनके बेटे चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे इंसान है जो कहते हैं वही करते हैं, तो लोगों को ये विश्वास हो गया है कि 25 तारीख को ताऊ देवीलाल का जो जन्मदिन है वो एक बड़े उत्साह से और लाखों लाखों में लोग जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ेगी रैली, मतलब रिकॉर्ड तोड़ेगी रैली। आपकी तैयारियां कैसी, जोर शोर से चला रहे हो? अपने हल्का में हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है महावीर गुलिया, हमारी पूरी टीम है, सारे गाँव का थोड़ा गाँव रह रहे हैं, हर एक गाँव में गए, हमारे किसान सेल के अध्यक्ष भी है महावीर देसवाल जी, हम सारे मिलके अपने काम कर रहे हैं, और हल्का में जो भी बादली हल्का का जो आदेश मिला है उसमें हम पूरे खरे उतरेंगे। आज आचार संहिता भी लग गई है, एक ही महीने बचा है चुनाव का, चुनाव के लिए तैयार है आपकी? तैयार है, वैसे चौधरी साहब का नाम है पूरे बादली के पूरे जिला में, जो हमारी सीटें हैं वे बादरगढ़ की है चौ नफे सिंह की, और झज्जर की है हमारे प्रमोद जी हैं राठी साहब,
इनकी बेरी से है और जो बादली से महावीर गुड़िया जी तैयारी कर रहे हैं अपनी इसमें चुनाव लड़ने की। और तो राठी साहब का तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था पापड़ोदी का और इशारा भी हो गया इनको तो। इनके गांव में भी गया था उस दिन भाई साहब आ रहे थे अर्जुन जी तो इनका सारे गांव में एक इतना बड़ा उत्साह था कि मैंने पहली बार देखा था। ताऊ देवीलाल के साथ में कई बार वहाँ गया था बापड़ोदा गाँव में जो मैंने सर्वे देखा वो इनके हक में था। गाँव का पूरा उत्साह है इनके साथ। आप बताइए जी रैली को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की चल रही हैं? प्रवीण जी रैली को लेकर लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह है। गांव में निमंत्रण के लिए जाते हैं तो लोग हमें बिल्कुल चाव चढ़ता है जिस तरह बरात का चाव चढ़ता है ऐसे लोगों में चाव है और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे जनता और बहुत तगड़ी रैली होगी। लाखों लाखों में लोग बाग पहुँचेंगे। लेडीज में भी बहुत उत्साह है, लेडीज भी खूब चलेंगी। जी पूरे आश्वस्त हो रैली में भारी भीड़ है जुटा। भारी भीड़ जुटेगी और अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई साहब और आ गए हैं जी रैली को लेकर तैयारी हो इन्हें लोग ये कहते हैं। हाँ जी हाँ जी तैयारी है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ जी बिल्कुल तैयारी है जी अच्छी तरह से। हाँ हाँ जी हाँ जी आश्वस्त हो रैली को लेकर रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है ठीक है। अच्छा राठी साहब एक चीज और आपसे पूछ लेता हूँ मैं। 22 तारीख को एक रैली और भी होने वाली है जी जेजेपी की, तो आपकी उनसे ज्यादा रहेगी उनकी आपसे ज्यादा रहेगी ये भी जनता मतलब देखेगी खास तौर से। पहले तो मैं आपसे ही एक सवाल पूछूंगा कि किस चीज की रैली है वो, किस बारे में रैली एक बार वो बताओ फिर मैं संख्या बताऊंगा आपको। वो भी यही बोल रहे हैं कि ताऊ देवीलाल के सम्मान के लिए। ताऊ देवीलाल का जन्मदिवस तो 25 तारीख को होता है। वो देवीलाल के जन्मदिन की रैली नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ इनकी साठगांठ और समाज से नकारे हुए जिनको समाज ने परमिशन नहीं दी एक जगह, फिर वो दूसरी जगह जहाँ बीजेपी के प्रधानमंत्री की रैली थी वहाँ वो रैली इसलिए करी गई है कि मैं लोगों ने उनको जगह नहीं दी। और रोहतक में टेंट बीजेपी का लगा हुआ था शायद कहीं ना कहीं खट्टर साहब से सेटिंग करके वो टेंट के पैसे मतलब बीजेपी की गोदी में खेल रहे हैं वो लोग। वो तो आप सबके सामने है टेंट भी वो उसी की छत्र छाया में उन्हीं के टेंट की छत्र छाया में अपनी रैली कर रहे हैं और भीड़ तो वहाँ उसी टेंट में मोदी साहब की कुर्सियाँ खाली थी। ये पार्टी तो बच्चों की और जमा झूठी पार्टी है। असली देवीलाल को चाहने वाले तो कैथल में मिलेंगे आपको। यहाँ तो लोभी जो कहीं ना कहीं सत्ता के लोभी उस प्रकार के, अभी उमेद लोहान जी ने बहुत सारे चिट्ठे खोले हैं उनके और उस पार्टी के जो मुखिया हैं जो सीएम चेहरा हरियाणा के अंदर उभर के आया था इलेक्शन होने से पहले सीएम बना दिए गए थे किलकियों द्वारा, उनको बताया है कि नसीहत दी है कि औकात में रहे नहीं तो मैं और चिट्ठे भी खोल दूंगा। जी 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 वकील साहब आप भी सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ जी। और ऐसा है ये जो दुष्यंत चौटाला है जो हमारे किसान नेता चौधरी छोटू राम होते थे जिनकी नीतियों पर ताऊ देवीलाल चले उनको ही गद्दार कहते हैं। जो गद्दार कहने वाले हैं जनता उनको सबक सिखा देगी। और जो छोटू राम को जो नेता को गाली देता है वो कोई मतलब नेता तो क्या वो एक बच्चे से भी बिल्कुल निकट्टू है। युवा साथी भी हैं हमारे साथ, आप बताइए कैसी तैयारियां आप लोगों की? हमारी जोरदार तैयारियां भाई साहब, लाखों की संख्या में बच्चे संख्या में जाएंगे। साथ हो बिल्कुल जी? हाँ भाई साहब बिल्कुल साथ हैं। और आपने देखा होगा उत्साह बच्चों में हमारे बहुत इलाकों की संख्या में पहुँचेंगे। युवा साथी तैयार हैं, आप भी बताइए रैली को लेकर उत्साह है? पूरा उत्साह है जी। हाँ जी बताइए। बिल्कुल भाई साहब बहुत ज़्यादा। और युवा तो और भी आते जा रहे हैं, चलिए वो भी आ रहे हैं। राठी साहब जब तक ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोगों से घबरा कर, पहले तो एक ही तारीख को रैली थी 25-25 को और फिर 22 को उन लोगों ने शिफ्ट कर दी है, तो क्या घबराहट थी इन से उन लोगों को? एक लोमड़ी की कहावत सुनी होगी ना आपने। हाँ। वो लोमड़ी अंगूर तोड़ने के, को भी सुना दीजिए जी। वो लोमड़ी लोमड़ी एक अंगूर तोड़ने के लिए उछल रही थी। हाँ। वो उसकी रेंज से बाहर थे। हाँ। तो उसने बाद में कहा कि अंगूर खट्टे हैं। इन्होंने पहले तो ये रैली 25 तारीख की इसलिए रखी थी कि हम एक भय पैदा करें, लेकिन इन लोगों को पता नहीं और अब पता लग गया
अंदर से तो इनको पता था, लेकिन लोगों के सामने मुखौटा डाले हुए थे। अब इनको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने भी सिपाही हैं वो एक लड़ाके प्रकार के सिपाही हैं, और डर तो इनको लगना ही था। इनको पता था 25 तारीख को अगर तुमने रैली रख दी तो कैथल जनता पहुंचेगी, तुम्हारे पंडाल खाली रहेंगे। और आपका अभी वो क्या सोचते हैं 22 को क्या भीड़ होगी, भीड़ वही टेंट, मैंने फिर आपको बताया ये कहीं ना कहीं साठ गांठ है बीजेपी के साथ, और जनता को लूटने का एक मकसद है इन लोगों का, जनता का भला करने का। रैली को लेकर आपने झज्जर क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे प्रमोद राठी? मैं झज्जर की जनता से एक अपील करना चाहूँगा, सच्चे अच्छे और किसान मसीहा चौधरी देवीलाल रहे हैं, सभी को पता है, और किसी के बहकावे में आगे चुनाव भी अभी आ गए हैं, आपने मुखौटा बीजेपी का देख लिया, कभी गर्दन काटते हैं कभी धक्के मारते हैं, धनखड़ साहब यहाँ स्टूडेंट लड़कियाँ उनको पिटवाने का काम करते हैं, उनसे बचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैथल पहुँचे और हरियाणा के इन लुटेरों को दिखा दे कि हरियाणा की जनता अब लुटेरों के साथ नहीं बसेरों के साथ है, जो बसेरा करना जानते हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने ही हरियाणा का बसेरा किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा कि जी नेलो पार्टी दफ्तर में थे प्रमोद राठी साहब, थे सुहाग साहब, थे वकील साहब वाली से, हमने दिखाया कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, युवा साथियों से हमने बात करके दिखाया, और रैली को लेकर भारी उत्साह है, और जो 22 तारीख को रैली होने वाली है उसको लेकर भी जो इनेलो पार्टी है उन्होंने पोल खोली है, कहा है कि जी उमेद लोहान ने तो अभी खोलना शुरू किया है, धीरे धीरे इनकी सारी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहना था इनेलो का कि जी स्वर्गीय ताऊ चौधरी देवीलाल थे, उनका जन्मदिवस तो 25 का था, तो कैथल में उन्होंने जो रैली की है जनक जनता पार्टी पर, कहीं ना कहीं प्रमोद राठी ने प्रहार भी किया है कि कहीं ना कहीं उसी टेंट में है जिसमें मोदी साहब की रैली थी और खट्टर साहब से ये साठगांठ चल रही है, और पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें होंगी कि इनेलो कितनी ज़बरदस्त रैली है वहाँ पर करती है। लेकिन फिलहाल जो झज्जर पार्टी दफ्तर का दिखाया है कि भारी तैयारियाँ हैं, जो इनेलो के पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं, और कैथल जाने से पहले भी हम दिखाएंगे कि प्रमोद राठी साहब हैं, अन्य जो इनेलो के लोग हैं वो कितने उत्साह के साथ रैली में जा रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया।